लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी महामुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी है तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन देश के सबसे पुरानी पार्टी अपने ही नेताओं के बड़बोलेपन से परेशान है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बीच ऐसा लगता है कि अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने का अलग सा चलन चल पड़ा हो। 2014 से लेकर वर्तमान समय तक कांग्रेस के नेताओं ने इतनी निम्न स्तर की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की है, जिससे कांग्रेस को फायदा मिलना तो दूर रहा, उससे ज्यादा राजनीतिक नुकसान ही हुआ है। आज इस खबर में हम करेंगे उन कुछ ही टिप्पणियों का जिक्र जिसने कांग्रेस को रसातल पर पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौजूदा बयान की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को सांप कह दिया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी एक जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोचेंगे ये जहर है या नहीं, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। जैसे ही खड़गे का ये बयान सामने आया, बीजेपी का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया और इसे कांग्रेस की बौखलाहट कहा। अब भले ही खड़गे ने सफाई दे दी हो, लेकिन कर्नाटक की हर चुनावी जनसभा में उनके सांप वाले बयान का खूब जिक्र होता है और इसे जमकर भुनाने की कोशिश भी है। साल 2007 में आते हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में गुजरात दंगों की याद दिलाई। इस दौरान एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। सोनिया के इस बयान को बीजेपी ने जमकर भुनाया और पीएम मोदी ने भी खुलकर इस बयान को डिफेंड किया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे ज्यादा विवादित बयान दिए हैं। खड़गे से पहले अय्यर पीएम मोदी को साफ बता चुके हैं। 2013 में जब पीएम मोदी ने कांग्रेस को दीमक की तरह बताया था, तब मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी एक सांप और बिच्छू की तरह हैं। इसके अलावा अय्यर ने इसी साल मोदी को जोकर भी बताया था। अय्यर ने इस विवादित बयानों से हमेशा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए इन बयानों का पार्टी को नुकसान हुआ। साल 2014 में जब कांग्रेस के खिलाफ जमकर एंटी इनकम्बेंसी थी, तब मणिशंकर अय्यर के इस बयान ने पूरा माहौल ही बदल दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि वो चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। इस बयान को बीजेपी की स्ट्रेटेजी बनाने वाली टीम ने लपक लिया और फिर चाय पर चर्चा कार्यक्रम चलाया गया। चाय पर चर्चा बीजेपी के लिए हिट हुआ। वहीं पीएम मोदी ने खुद हर मंच से खुद को चाय वाला बताकर कांग्रेस के तीर को विपक्ष के लिए ही घातक बना दिया। 2014 में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। देश की समकालीन राजनीति को साफ करने के नाम पर एक पार्टी को उदय हुआ और नाम रखा गया आम आदमी पार्टी और ढोल नगाड़े के साथ देश भर में प्रचार किया गया कि दिल्ली में एक पार्टी ने जन्म लिया है और नाम रखा गया है आम आदमी पार्टी। जनता को भरोसा दिलाने के लिए उस पार्टी के सभी नेता ने जनता सरीखे कपड़े पहनने शुरू कर दिए और कहा कि देखिए जनाब, हमें लगता है कि आप सभी देश की गंदी राजनीति से परेशान हो गए हैं। हम आपके सामने एक विकल्प के तौर पर हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सेवा करने आए हैं। हम भी आप जैसे ही हैं, हमें दूसरे दलों के नेताओं की तरह तामझाम नहीं चाहिए। तमाम वादे किए गए और जनता को यकीन भी हो गया कि सच में ये आदमी भी और उनकी पार्टी के सभी नेता हमारी ही तरह जो गुर्बत की मार सह के आए हैं और इन्हें हम मौका दें तो शायद ये हमारी गुर्बत भी दूर कर दें। लेकिन इस देश का लोकतंत्र परिपक्व और मजबूत इसीलिए है क्योंकि यहाँ की जनता सतर्क है। एकदम से पूरा देश देने की बजाय जनता ने राजनीति की इस नई दुल्हन को देश के दो प्रमुख राज्य सौंपे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। लेकिन सत्ता को साफ करने का दावा करने वालों के मन इतने मैले होंगे जनता ने कभी सोचा भी नहीं था। दिल्ली से लेकर पंजाब तक सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने राजनीति में ऐसा दुर्गंध मचाया कि जनता ने त्राहिमाम शुरू कर दिया। दिल्ली में भ्रष्टाचार तो अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्री महोदय अश्लीलता का प्रचार करने पर आमादा है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी में इस समय उठापटक मची हुई है। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक के इस्तीफे देने की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि सीएम भगवंत मान ने मंत्री के इस्तीफे देने से इनकार कर दिया था, जबकि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर दावा किया कि मंत्री लालचंद कटारूचक ने सीएम मान को इस्तीफा सौंप भी दिया है। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल मची हुई है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव की तारीख भी नजदीक आ रही है। ऐसे में ये कॉन्ट्रोवर्सी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की थी।
इस मुलाकात के दौरान खेरा ने राज्यपाल को दो अश्लील वीडियो सौंप दिए, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये वीडियो पंजाब सरकार के किसी मंत्री के हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की तरफ से किसी का भी नाम नहीं लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के डीजीपी को राज्य के एक मंत्री के आपत्तिजनक वीडियो की प्रमाणिकता की जाँच करने के लिए कहा है। खेरा की तरफ से राज्यपाल को इस आपत्तिजनक वीडियो की फॉरेंसिक जांच की मांग के साथ साथ वीडियो सही पाने पर मंत्री को पद से हटाने की मांग की गई थी, जिसके बाद राज्यपाल पुरोहित ने कदम उठाया। खबरों के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल ने इस वीडियो की प्रमाणिकता की जांच के लिए इसे चंडीगढ़ के डीजीपी को भेज दिया है। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, वहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। कर्नाटक चुनाव का सियासी समर अपने चरम पर है। हर एक पार्टी ने अपना सब कुछ इस चुनाव में लगा दिया है। प्रदेश की दो प्रमुख पार्टी कांग्रेस और बीजेपी अपने राजनीतिक समीकरण बदले सियासी माहौल के हिसाब से सेट करने में लगी हुई है। लेकिन कर्नाटक में किस पार्टी के सर पर सजेगा जीत का ताज और किस पार्टी के हाथ लगेगी निराशा, ये बहुत हद तक प्रदेश की जातीय समीकरण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति भी कहीं न कहीं जातीय समीकरण के ही इर्द गिर्द घूमती है। कर्नाटक की राजनीति में दो समुदायों का दबदबा माना जाता है, वो है वकलिंगा और लिंगायत समुदाय। कहा जाता है कि ये दो समुदाय जिस तरफ झुकेंगे वही पार्टी सत्ता की चाबी पाएगी। इस क्रम में बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी यानी लिंगायत समुदाय का साथ बीजेपी को मिल सकता है। क्या हुआ है खुलासा बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के साथ साझेदारी में एनडीटीवी के नए ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए एक खुशखबरी आई है। सर्वे में पाया गया है कि लिंगायत अभी भी बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से 67% लिंगायतों ने कहा है कि वो बीजेपी को वोट देने के इच्छुक हैं। 21 विधानसभा क्षेत्रों के 2143 मतदाताओं पर किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि वो कलिंगा समुदाय मुख्य रूप से कांग्रेस और HD कुमार स्वामी की जनता दल सेकुलर यानी JDS के बीच बटा हुआ है। इनमें से 34% ने कहा कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, जबकि 36% ने JDS के पक्ष में वोट देने की बात कही। राज्य में वो कलिंगा और लिंगायत समुदाय से ज्यादा मुख्यमंत्री बनते हैं, 6 बार वो कलिंगा से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आए हैं। इन सर्वे में चुनाव से पहले कई तरह के कयास लगाए गए हैं। चुनाव से पहले किए गए हालिया सर्वे और पोल्स के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस भी फाइट में दिख रही है, लेकिन बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में है, जिससे एक बार फिर बीजेपी की राज्य में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में मतदान 10 मई को और मतगणना 13 मई को होगी। कर्नाटक में वो कलिंगा और लिंगायत समुदाय काफी मजबूत हैं और चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार ने अपने पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के दौरान ही NCP चीफ के पद से इस्तीफे की घोषणा बीते दिन कर दी थी, जिसके बाद देश भर की नजरें महाराष्ट्र की सियासत पर टिक गईं और चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा कि अब आगे शरद पवार क्या कदम उठाएंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और आम कार्यकर्ता पवार के इस फैसले से उदास दिखे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को महाविकास अघाड़ी के रूप में विकल्प देने वाले और उसके सूत्रधार शरद पवार की आत्मकथा ने ही अब उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया। पवार, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर अपनी किताब के माध्यम से कई खुलासे किए हैं जो कि काफी चौंकाने वाले हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की कहानी बस चंद दिन की ही शेष बची है। अघाड़ी के पतन की पटकथा उसी के सृजनकर्ता ने ही लिखती है। शरद पवार के किताबी खुलासे के बाद अघाड़ी सत्ता लोलुपता के कारण बची रहेगी या फिर ठाकरे गुट आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अघाड़ी से मुंह मोड़ लेगा। बहुत कुछ है बाकी अभी होने को महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस घटना की जिसका खुलासा शरद पवार ने अपनी किताब में किया है। शरद पवार के उद्धव ठाकरे को लेकर किताब में कही बात से MBA को करारा झटका लग सकता है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की बात को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। शरद पवार जल्दी किसी बात को बिना परखे नहीं कहते। पवार के उद्धव को लेकर किए खुलासे के बाद माना जा रहा है कि कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी का कुनबा टूट सकता है, क्योंकि वो पवार ही थे जिनकी सूझबूझ से महाराष्ट्र में एक नई भारत गढ़ते हुए बीजेपी को मात देने का काम किया गया था। शरद पवार की महाविकास अघाड़ी को बनाने में सूत्रधार माने जाते हैं, लेकिन इस बार शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को लेकर जो टिप्पणी की है वो MBA की सेहत के लिए ठीक नहीं। पवार ने अपनी किताब में उद्धव ठाकरे को सियासत का कच्चा खिलाड़ी करार दे दिया है। पवार ने कहा कि उद्धव पार्टी में बगावत को शांत नहीं कर पाए, जिसके चलते पार्टी का ये हाल हो गया और कुनबा बिखर गया।
महाविकास अघाड़ी के गठन के बाद पहली बार पवार ने उद्धव ठाकरे को लेकर चुप्पी तोड़ी। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट भी पवार के इस फैसले से हैरान है। शरद पवार के इस्तीफे पर संजय राउत ने कहा कि हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा देश की राजनीति की एक बड़ी घटना है, ये चौंका देने वाली बात, लेकिन उनकी पार्टी का एक अंदरूनी मामला है। शरद पवार के बारे में जब इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो महाराष्ट्र और देश की राजनीति में खलबली जरूर मच जाती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।